ये भी चिंता का विषय है कि हमारे देश में वर्षा का अधिकांश जल बर्बाद हो जाता है। भारत वर्षा जल का जितना बेहतर प्रबंधन करेगा उतना ही ग्राउंड वाटर पर देश की निर्भरता कम होगी, और इसलिए कैच द रेन जैसे अभियान चलाए जाने और सफल होने बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान कैच द रेन से प्रेरित होकर बुंदेलखंड की तस्वीर अब बदल रही है। पानी से तरसती बुंदेलखंड की धरती को हरा भरा बनाने में कोरोना काल में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके तहत प्रकृति संरक्षण और बारिश के पानी को जमा करने के लिए मनरेगा श्रमिकों ने काम कर एक नई मिसाल कायम की है। इलाके में पानी की स्थिति बेहतर होने पर अब बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का अभियान भी चलाया जा रहा है। यहां स्थानीय श्रमिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन अभियान से प्रेरणा लेकर पहाड़ियों की ढाल पर जगह जगह ऐसे गड्ढे बनाए हैं जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है। मनरेगा से मैंने इनको पंचायत द्वारा भूमि सुधार करवाया गया, सुबह भी खेती करने लगे और अब धीरे धीरे अपना बाल बच्चों का भरण पोषण कर सकते। तो सर हम किसान ही कर रहे हैं अब, और मका बो ये साल और धान भी वो ये साल में रोजगार गारंटी के द्वारा फिलहाल विभाव और भी जमीन सुधर गई है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में लॉकडाउन के दौरान 20,000 से ज्यादा श्रमिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत काम दिया गया। इसके बेहतर नतीजे अब नजर आ रहे हैं। कभी हमेशा सूखा नजर आने वाला बुंदेलखंड अब हरा भरा हो गया है, और जल स्तर में सुधार होने से किसानों को फायदा भी पहुंचा है।